बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया टीम को लगा जोरदार झटका। बाएं हाथ के ताबड़तोड़ बैटर मैथ्यू वेट ने अचानक किया संन्यास का ऐलान। जी हां दोस्तों, बता दें कि WTC फाइनल मुकाबले के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 में खेली जानी है। और इधर दोस्तों, भारतीय टीम जो है न्यूजीलैंड से शर्मनाक तरीके से टेस्ट सीरीज हार चुकी है, जिसके कारण WTC फाइनल के लिए श्रीलंका और साउथ अफ्रीका भी जो है लाइन में लग चुके हैं। अगर भारत दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से जो है हार जाता है तो भारत का WTC फाइनल खेलने का सपना चकनाचूर हो सकता है। बता दें कि इस ट्रॉफी की शुरुआत 22 नवंबर से होगा और इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वही मैथ्यू वेड जिन्होंने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह जो है अफरीदी पर जो है छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में जितवाया था। जी हां दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान को शाहिद अफरीदी पर जो है काफी घमंड था और हमेशा कहते थे कि हमारे जो है गेंदबाज सबसे फास्ट गेंदबाजी करते हैं, लेकिन मैथ्यू वेड ने जो है उनका घमंड तोड़कर रख दिया और दोस्तों तभी से पाकिस्तान क्रिकेट का जो है डाउनफॉल शुरू हो गया। बता दें कि मैथ्यू वेड को ऑस्ट्रेलिया के जो है टीम में काफी लंबे समय से जगह नहीं मिल रही थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना जो है आखिरी टेस्ट और वनडे 2021 में खेला था। हालांकि वेड को T20 में मौके मिल रहे थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी वेड को जो है ऑस्ट्रेलिया के टीम में खेलने का मौका मिला था। तो दोस्तों उन्होंने T20 विश्व कप में आखिरी मैच भारत के खिलाफ खेला था, जो कि उनका जो है अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच साबित हुआ। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले मैथ्यू वेड दोस्तों व्हाइट बॉल और घरेलू जो है व्हाइट बॉल और विदेशी जो है क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। इसके अलावा वह जो है कोच के रूप में भी नजर आएंगे। वह जो है अगले महीने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले जो है T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के कीपिंग और फील्डिंग कोच के रूप में नजर आएंगे। वही दोस्तों मैथ्यू वेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 36 टेस्ट 97 वनडे और 92 T20 इंटरनेशनल मुकाबला जो है खेल चुके हैं। टेस्ट की 63 पारियों में उन्होंने 29 के औसत से 1613 रन बनाए हैं, जिनमें 4 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। इसके अलावा वनडे में वेड ने 1867 और T20 में 26 के औसत से जो है दोस्तों 1202 रन बनाए हैं। वही दोस्तों वनडे में जो है वेड के बल्ले से 1 शतक और 11 जो है अर्धशतक निकले हैं। T20 में दोस्तों 3 अर्धशतक जो है उनके बल्ले से निकले हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।